नमस्कार। क्या मनुष्य की मुक्ति सरल है? प्राय लोगों की यह धारणा रहती है कि भगवान को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, परंतु क्या यह सत्य है? आज इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम भारत के प्रसिद्ध संत स्वामी रामसुख दास जी महाराज के विचारों को सबके कल्याण के लिए साझा कर रहे हैं। स्वामी रामसुख दास जी महाराज अपनी पुस्तक में कहते हैं कि भगवत प्राप्ति, जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, परम प्रेम, कल्याण, उद्धार आदि जो कुछ भी ऊंची से ऊंची बात हम चाहते हैं, उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यह बहुत ही मूल्यवान बात है, इसे आप मान लें। लोगों की धारणा है कि मानने से क्या होता है, लेकिन वास्तव में मान लेने से ही सब कुछ होता है। गीता में भगवान ने कहा है कि प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान। हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। इन दोनों बातों का अर्थ यह निकला कि प्रकृति और पुरुष भिन्न भिन्न वस्तु हैं। आप जिससे अलग अर्थात मुक्त होना चाहते हैं, उस प्रकृति से स्वतः मुक्त हैं। केवल आपने अपनी इच्छा से प्रकृति को पकड़ रखा है, उसे स्वीकार कर रखा है। प्रकृति को पकड़ने के कारण ही बंधे हुए हैं। इसे छोड़ दें तो आप ज्यों के त्यों जीवन मुक्त ही हैं। आप निरंतर रहने वाले हैं और प्रकृति निरंतर बदलने वाली है। वह आपसे स्वाभाविक अलग है। प्रकृति ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने प्रकृति को पकड़ा है। मैं और मेरे की मान्यता स्वयं आपने ही की है। मैं और मेरे की मान्यता करना ही भूल है। यह जो इंद्रियों सहित शरीर है, यह मैं नहीं है। जो संसार है, वह मेरा नहीं है। इस बात को मान लेना है और कुछ नहीं करना है। वास्तविकता यही है। आप निरंतर रहने वाले हैं और संसार जाने वाला है। इस ओर केवल दृष्टि करनी है और कुछ नहीं करना है। जिस क्षण यह विचार हुआ कि हम संसार से अलग हैं, उसी क्षण मुक्ति है। संसार से संबंध हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें संसार से सुख लेने की इच्छा है, और यह इच्छा ही संपूर्ण दुखों, पापों, अनर्थ, दुराचार और अन्यायों की जड़ है। जब तक वस्तुओं के संग्रह और सुख भोग की इच्छा रहेगी, तब तक चाहे कितनी ही बातें सुन लें, पढ़ लें, सीख लें और चाहे तीनों लोकों का राज्य प्राप्त हो जाए, फिर भी दुख नहीं मिटेगा। संग्रह और सुख भोग की वृत्ति चेष्टा करने से नहीं मिटेगी। यहाँ चेष्टा की बात ही नहीं है। आपने मैं और मेरे की मान्यता की हुई है। मानी हुई बात ना मानने से ही मिटती है, चेष्टा से नहीं। विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो इसमें कौन सी चेष्टा करनी पड़ती है? बस केवल मानना होता है। किसी से भी संबंध जोड़ने में और संबंध तोड़ने में हम सभी स्वतंत्र हैं। वास्तव में हमारा संबंध केवल परमात्मा से है। भूल से हमने प्रकृति से संबंध जोड़ लिया है। अब उस माने हुए संबंध को तोड़ लेना है, बस यही काम है। परमात्मा से हमारा संबंध स्वाभाविक और सच्चा है, और प्रकृति से हमारा संबंध अस्वाभाविक और बनावटी है। अस्वाभाविक और बनावटी संबंध को तोड़ देना है। वह टूटेगा प्रकृति से अपना संबंध ना मानने से। हम पहले अपने आप को बालक मानते थे, पर क्या अब आप अपने आप को बालक मानते हैं? तो जैसे बालकपन के साथ आपने मान्यता की थी, वैसे ही अब जवानी के साथ मान्यता कर ली कि मैं जवान हूं, ऐसे ही मैं रोगी हूं, मैं निरोगी हूं आदि मान्यताएं कर ली। वृद्धावस्था के साथ मान्यता कर ली और फिर मृत्यु के साथ भी मान्यता कर ली। विचार करें कि मान्यता के सिवा आपने और कौन सी चेष्टा की? जैसे आपने पहले अपने आप को बालक माना, वैसे ही अब अपने आप को बालक ना मानकर जवान मान लिया। तो यह केवल मान्यता ही मान्यता है, ना कोई चेष्टा है, ना कोई विचार। स्वामी रामसुख दास जी महाराज अपनी पुस्तक में कहते हैं कि केवल संयोगजन्य सुख प्राप्ति की इच्छा के कारण ही कठिनाई हो रही है, और संयोगजन्य सुख भी ऐसा है जिससे परिणाम में दुख ही दुख मिलता है। सुख की लालसा से महान अनर्थ होगा ही, इसे टालने की ताकत ब्रह्मा जी में भी नहीं है। रुपए मिल जाएं तो सुखी हो जाऊंगा, पदार्थ मिल जाएं तो सुखी हो जाऊंगा, सारी बात यहीं अटकी हुई है। आज तक इन पदार्थों से किसी को पूर्ण सुख मिला नहीं और कभी मिल भी नहीं सकता। बालकपन से ही सुख लेने के पीछे पड़े हैं। अब तक कितना सुख ले लिया बताओ? धन भी इकट्ठा किया है
विषय भोग भी भोगे हैं, थोड़ी बहुत मान बढ़ाई भी मिली है। इस प्रकार संसार का थोड़ा नमूना आप और हम सभी ने देखा है, पर बताओ कि क्या इनसे अभी तक तृप्ति हुई है? क्या इनसे पूर्ण सुख मिला है? यदि नहीं मिला तो फिर इनके पीछे क्यों पड़े हैं? क्या कोई भ्रम बाकी रह गया है? सत्य तो यह है कि इनसे दुख ही मिलेगा, सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। संयोगजन्य सुख लेने से परिणाम में दुख होता ही है। सच्चा सुख आनंद बाहर से नहीं आता, अपितु भीतर से निकलता है। सच्चे सुख का अंत नहीं होता, एक बार मिलने पर फिर कभी बिछड़ता नहीं। पर जब तक बाहर का सुख लोगे, उसकी इच्छा करोगे, उसे महत्व दोगे, तब तक भीतर का सुख मिलेगा नहीं। संयोगजन्य सुख की इच्छा को दूर करने का उपाय है दूसरों को सुख कैसे मिले ऐसी जोरदार इच्छा। भीतर व्याकुलता उत्पन्न हो जाए कि दूसरों का दुख कैसे मिटाएं। स्वामी रामसुख दास जी करने पर जोर नहीं देते, अपितु भाव बनाने पर जोर देते हैं। भाव से तुरंत काम होता है, भाव हो तो करना स्वतः हो जाएगा। संपूर्ण प्राणियों के सुख का भाव होने पर अपने सुख की लालसा सुगमता पूर्वक मिट जाएगी, पर अपने सुख की लालसा मिटने पर प्राप्त वस्तु, मुक्ति, प्रेम आदि का अनुभव सुगमता पूर्वक हो जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट में शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।